नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। गरीबी में जीने वाला इंसान सिर्फ अपने परिवार का पेट भर सकता है, लेकिन उसी परिवार में अगर किसी बच्चे को अपने शौक पूरे करने हैं तो उन बच्चों को अपने शौक पूरे करने की इच्छा का गला घोटना पड़ता है। वह बच्चे सिर्फ गरीबी का दंश झेलते हुए दो पैसे कमाने की जुगत में लग जाते हैं और अपनी इच्छाओं को मार देते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों को सहारा देने के लिए कल्पना कला केंद्र की मालकिन, जिनका नाम खुद कल्पना है, उन्होंने अपनी कल्पना के जरिए ही ऐसे बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए कल्पना की थी और ऐसे बच्चों को वह डांस सिखाकर उन्हें जीवन जीने के लिए एक सहारा दे रही हैं। हम बात कर रहे हैं नोएडा सेक्टर 11 में रहने वाली कल्पना की, जो एक डांस स्कूल चलाती हैं। कल्पना का कहना है कि वह पिछले कई सालों से डांस स्कूल चला रही हैं और उनके स्कूल में आने वाले बच्चों की संख्या लगभग 100 से अधिक रहती है, जिसमें 50% बच्चे वह होते हैं जिनके माँ बाप रिक्शा चलाते हैं। घरों में उनकी माँ जाकर काम करती हैं या फिर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के बच्चों को वह डांस का हुनर सिखाकर उन्हें सम्मान से जीने की एक नई राह देने की कोशिश कर उनका भविष्य संभाल रही हैं। देश की टॉप 10 नृत्यांगना में शुमार डॉक्टर कल्पना को बचपन से ही पारिवारिक प्रतिष्ठा और सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उनके अपने नृत्य करने के शौक से जुड़ी कई बंदिशों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर की पढ़ाई के साथ उन्होंने कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, वेस्टर्न डांस में महारत हासिल की। कल्पना भूषण की माँ ने उनको एक सीख दी थी कि अपनी कला को लोगों तक पहुँचाओ, जिससे लोगों का भला तो हो ही, साथ ही आपकी कला में निपुणता आ जाएगी। उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की ठानी थी। उसी को देखते हुए उनको कई प्रकार के पुरस्कार सरकार के द्वारा दिए गए, जिसमें उनको गांधी पुरस्कार, एंटरप्रेन्योर जैसे तमाम पुरस्कार मिले। 1997 में कल्पना कला केंद्र की उन्होंने शुरुआत करी। इस वर्ष 26 जनवरी को होने वाले देशभक्ति के कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। ऐसी लड़कियों की मदद के लिए यह कला केंद्र सबसे बड़ा सहारा है। इस कला केंद्र में रिक्शा चालक, घरेलू सहायिका, सफाई कर्मचारी की बेटियों को निःशुल्क नृत्य सिखाया जाता है। अपनी संस्था के द्वारा इन बच्चों को संगीत समिति की तरफ से डिग्री भी दी जाएगी। इसके साथ ही डांस के दौरान तिरंगे को प्रॉप के तौर पर इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए उन्होंने एक सीख दी कि वह तिरंगे का सम्मान करें और प्रॉप के तौर पर झंडे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि भारत का राष्ट्रध्वज सम्मान देने के लिए है, ना कि नृत्य के दौरान उसे प्रॉप के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। दिल में जज्बा हो तो रास्ते आसान हो जाते हैं और मददगार भी बहुत आ जाते हैं, लेकिन उन मददगारों में भी कुछ स्पेशल मददगार होते हैं जो शुरू से लेकर आखिरी तक भविष्य संवारने के लिए मदद करते हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ नोएडा सेक्टर 11 में कल्पना कला केंद्र में। इस कला केंद्र की खासियत यह है कि यहाँ पर जो यहाँ के ऑनर हैं वो यहाँ पर आर्थिक तौर पर कमज़ोर परिवार के बच्चों को निःशुल्क डांस सिखाती हैं और उनको जीने के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए उनका रास्ता आसान करती हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जो यहाँ पर इस कला को सीखते हैं। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? बालवी राव। बालवी राव जी, आप कब से यहाँ से सीख रहे हो? मुझे यहाँ पे 7 साल हो गए हैं सीखती हूँ मैं। अच्छा। और मैम ने मेरी बहुत हेल्प करी है, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड फैमिली में अफोर्ड नहीं कर पाते थे भरतनाट्यम सीखने के लिए, क्योंकि मुझे भरतनाट्यम सीखना था, मैं अपने डांस में करियर बनाना चाहती थी, तो अफोर्ड नहीं कर पाते थे फैमिली। लेकिन जब हमें कल्पना कला केंद्र का पता चला और मैं जब मैम से मिली, अपने गुरु से मिली, तो उन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी और आज मैं कह सकती हूँ कि मैं आज एक अच्छी। हाँ, 26 जनवरी में जो प्रोग्राम हो रहा है, हम उसमें हमारी जो गुरु हैं कल्पना मैम, उनके जैसा उनका पैट्रियोटिज्म है, उसी तरीके से हम भी भारतीय भावना जगाने के लिए हम भी उसमें किस तरीके के डांस आप लोगों को सिखाए जाते हैं? क्योंकि डांस की वैरायटी भी बहुत होती है, तो आप लोग कौन कौन से डांस पसंद करते हैं? हमारे यहाँ पे काफ़ी अलग अलग डांस सिखाए जाते हैं, क्योंकि मैम को बहुत सारे डांसेस आते हैं,
बट जो मेरे लिए मैंने सीखा है वो भरतनाट्यम है। बच्चों को सिखाने की भावना कैसे आई कि आर्थिक तौर पर जो कमजोर परिवार है उनके बच्चों को कला का हुनर दिया जाए, कैसे आपके दिमाग में एक ख्याल आया था, कैसे है? नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना भूषण। मैंने तो बचपन से ही सीखा था डांस, पर मेरी माँ चाहती थी कि हम जब एक इंसान काबिल हो जाता है, जब ज्ञान से भरपूर हो जाता है, तो उसको ज्ञान अवश्य आगे देना चाहिए। ये उसका जिम्मेदारी ही नहीं, उसको एक मैंडेटरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी कि उसको ये काम करना चाहिए। तो पहले जो मेरा स्कूल था अनुपम कला केंद्र, उसमें हम लोग फीस लेते थे सारे बच्चों से। फिर उसके बाद हमने कल्पना कला केंद्र शुरू किया, जो कि एक एनजीओ है, और उस एनजीओ में कुछ बच्चे हैं जो फीस देते हैं। नेचुरली आप जानते हैं कि बिना लक्ष्मी के आए मैं लक्ष्मी का प्रदान नहीं कर सकती हूँ, तो कुछ बच्चे हैं जो हमें फीस देते हैं, पर अधिकतर बच्चे जो हैं वो सब तरह के फैमिली से आते हैं, खास करके जैसे रिक्शा वाले हैं या गोलगप्पे वाला है या जो हमारे सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारी जो हैं, तो वो लोग, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, पैसा है, पर एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए जैसे डांस या म्यूज़िक या ये सब जो प्रोफेशंस जो हैं उन वो हम एक्स्ट्रा में काउंट करते हैं, तो उसके लिए उनके पास उतना पैसा नहीं है देने के लिए। जबकि मैं यहाँ पर लोएस्ट फीस है मेरी नोएडा में, सबसे लोएस्ट फीस है कल्पना कला केंद्र की, पर उसके बावजूद भी वो उतना भी नहीं दे पाते थे। तो शुरू शुरू तो मैंने डिस्काउंट में शुरू किया कि चलिए डिस्काउंट दे देती हूँ, डिस्काउंट दे देती हूँ, पर वो डिस्काउंट का ऐसा हो जाता था जैसे बार्गेनिंग कि अच्छा इतना और कर दीजिए, अच्छा उतना और कर दीजिए, अच्छा ऐसे इतना दे दीजिए। तो फिर मेरे को लगा जब मेरे को ये डिस्काउंट करना ही है तो इससे तो अच्छा ये है कि मैं फीस लूँ ही ना। जबकि हमारे गुरु कहते हैं कि आप कोई भी विद्या अगर सिखाते हैं तो उसके लिए हमेशा दक्षिणा लेनी चाहिए, नहीं तो उस विद्या का कभी फायदा नहीं होता। पर अगर वो बच्चा दे ही नहीं पा रहा है तो उससे लेने का क्या फायदा, इससे अच्छा है कि वो सीख ले। और विद्या तो फिर विद्या ही है, सरस्वती और लक्ष्मी का मेल तो नहीं हो पाता है, पर सरस्वती जहाँ है वहाँ लक्ष्मी माँ अपने आप आ जाते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। अगर आपको हमारी ये खास रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।